दोस्तों हाल ही में Vivo ने Y सीरीज के अंदर अपने दो नए स्मार्टफोन को लॉन्च किया था, जिसमें से एक था Vivo Y15 और दूसरा था Vivo Y17। अब दोस्तों Vivo लॉन्च करने जा रहा है इसी सीरीज के अंदर एक और एक स्मार्टफोन जो है Vivo Y12। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 5000 एमएच की बैटरी, फुल व्यू डिस्प्ले और ट्रिपल रियर कैमरा जैसे फीचर्स देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Vivo Y12 की कन्फर्म स्पेसिफिकेशन, कितने वेरिएंट में इसे लॉन्च किया जा रहा है, हर वेरिएंट की यहाँ पे क्या प्राइसिंग रहेगी और कब से और कहाँ से आप इस स्मार्टफोन को खरीद पाओगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और टेक मॉनिटर्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम डिजाइन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको एक पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने के लिए मिल जाएगा जो ग्रेडियंट शेड्स के साथ आएगा और यहाँ पे मिरर फिनिश दिया गया है, इससे कि ओवरऑल स्मार्टफोन काफी अच्छा यहाँ पे दिखे। दोस्तों इसे लॉन्च किया जाएगा दो कलर में, जिसमें से एक है एक्वा ब्लू और दूसरा बर्गंडी रेड। दोस्तों डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे 6.35 इंच का फुल व्यू डिस्प्ले दिया गया, जिसकी रेजोल्यूशन है HD+ और यहाँ पे आपको एक नॉच वाला डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा और इसी नॉच में दिया गया इसका सेल्फी कैमरा जो है 8 मेगापिक्सल का। दोस्तों पीछे की तरफ दिया जाएगा यहाँ पे ट्रिपल कैमरा, जिसमें से पहला सेंसर है 13 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा है यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का जो कि एक वाइड एंगल सेंसर होगा और यहाँ पे तीसरा कैमरा है 2 मेगापिक्सल का जो कि एक डेप्थ सेंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें प्रोसेसर की तो इसमें दिया जाएगा मीडियाटेक का प्रोसेसर जो है हीलो P22, जिससे आपको एक डिसेंट लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों फोन को पावर करेगा 5000 एमएच की बैटरी, जहाँ पे आपको रिवर्स चार्ज जैसी टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पे डेटा सिंक और चार्जिंग के लिए माइक्रो USB 2.0 दिया गया है। दोस्तों सॉफ्टवेयर की बात करें तो Vivo Y12 आउट ऑफ बॉक्स आएगा एंड्रॉइड 9 के साथ, यानी कि आपको पाई यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसके ऊपर चलेगा इनका कस्टम OS जो है फनटच OS 9। दोस्तों रैम और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें से पहले वेरिएंट में आपको मिलेगा 4GB की रैम और 32GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस है 11,990 रुपीज, और दूसरे वेरिएंट में आपको मिलेगा 3GB की रैम और 64GB की स्टोरेज, जिसकी प्राइस है 12,990 रुपीज। दोस्तों डिस्प्ले की रेजोल्यूशन और इसके प्रोसेसर को देख के हम यही कह सकते हैं कि अगर आप गेमर हो तो ऐसे में आपको यहाँ पे उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जैसा कि आपको स्नैपड्रैगन 675 या फिर स्नैपड्रैगन 710, 720, 730 प्रोसेसर से मिलता है। हालांकि यहाँ पे आपको एक डिसेंट लेवल का परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिल जाएगा। डे टू डे लाइफ में आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम इस स्मार्टफोन से होने वाला नहीं है और वैसे भी Vivo के कैमरास काफी अच्छे होते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कैमरा का परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको अच्छा मिल जाएगा। दोस्तों Vivo इस स्मार्टफोन को ऑफलाइन मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है, हालांकि आप इसे ऑनलाइन से भी खरीद सकते हो और इसकी स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग को देख के यही लगता है कि यहाँ पे जो ऑनलाइन जो मार्केट है उसे ज्यादा यहाँ पे टारगेट किया गया है। रही बात दोस्तों लॉन्च डेट की, तो यहाँ पे रिटेलर्स ने ऐसा कंफर्म किया कि ये फोन ऑलरेडी उनके पास आ चुका है और इसी हफ्ते के अंदर आप इस स्मार्टफोन को किसी भी रिटेल शॉप से खरीद पाओगे। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये फोन 10 जून के अंदर आपको बहुत सारे रिटेल शॉप में खरीदने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों ये फोन अगर आपको पसंद आया और अगर आप इसे खरीदना चाहोगे तो ये बात आप मुझे बताइए कमेंट करके। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।